कोरोना की दूसरी लहर ने न जाने अब तक कितने लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं, वहीं तीसरी लहर के लिए जानकार आगाह कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार लगता है इसके लिए तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार के द्वारा लोगों को मुफ्त राशन का ऐलान किया गया, लेकिन वितरण केंद्रों पर राशन की कमी देखी जा रही है और लोगों की भारी भीड़। दिल्ली सरकार के द्वारा उन लोगों के लिए मुफ्त राशन का ऐलान किया गया जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, और दिल्ली के तमाम स्कूलों पर ये राशन बांटा जा रहा है। हालांकि हर वार्ड में एक स्कूल पर ये राशन वितरण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की मैं भीड़ दिखाना चाहूँगा। इस समय हम करावल नगर के एक EDMC का स्कूल है उसके बाहर मौजूद हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ कि ये भीड़ संक्रमण को बढ़ावा देती हुई ये भीड़ स्थिति बयां कर रही है कि लोगों के सामने कितनी मजबूरी है। लोग रात से ही इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही देखी जा सकती है कि ना तो यहाँ स्कूल के बाहर कोई सिविल डिफेंस का वॉलेंटियर्स तैनात किया गया है, ना ही कोई दिल्ली सरकार क्या कोई जानकार है और ना ही दिल्ली सरकार का कोई कर्मी है। और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी ऐसा कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं की है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। लेकिन जिम्मेदारी किसकी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता खड़ा हो रहा है कि दिल्ली सरकार जहाँ दावे कर रही है कि कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन व्यवस्था इस कदर की गई है, लोगों को टोकन जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उन्हें राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि पूरी तरीके से गेट को बंद कर दिया गया है और केवल बाहर और बाहर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। खतरा मानती हैं कोरोना का? सब मानते हैं भैया, जब पेट में भूख लगती है तो कोरोना कहते ऐसे मराएगा क्या अपनी, जब पेट में भूख लगती है तो क्या करेगा कोरोना। लोगों की मजबूरी है जो यहाँ पर उन्हें खींच कर ला रही है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो 3-3 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रही हैं। कब से आई हुई हैं? मैं 2 बजे से हूँ बैठी यहाँ पे, बच्चे छोड़ के 6 लड़की है 1 लड़का है, किराए पर रहती हूँ, बिहार की हूँ, दरभंगा जिला की। क्या मानती हैं यहाँ पर कोरोना का खतरा है? नहीं, अमीर लोग को धरता, गरीब लोग को नहीं धरता है। जो बड़े बड़े जानकारी दे रहा है आप लोगों को कि थोड़ी थोड़ी दूर रहिए या फिर कोई स्कूल के द्वारा आ रहा हूँ? जब कोरोना का एक आएगा ना, मैं राशन पानी से नहीं मरेंगे, भूखे से मर जाएंगे तो कोरोना तो आप ही लग जाएगा। जब भीड़ भड़कते में जाएंगे तो कैसे करेंगे, ये लोग लेन से दे दें, 10-10 आदमी बुला लें आराम से दे दें, ना भीड़ होगी ना भड़का होगा, ये खुद ही धक्का धुक्की करवाते हैं। ये तो ये कहते हैं धक्के पे, कल एक औरत मरते मरते बेचारी बच गई बुढ़िया, उसे उठाया, उठा के अलग को रखा इतनी भीड़ में। बिल्कुल, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से सटे सटे लोग खड़े हैं, इसमें मासूम बच्चे भी हैं जिनकी उम्र महज 5 से 6 वर्ष है, अपने परिवार के साथ बच्चे पहुँच रहे हैं, लेकिन ये लाइन में बच्चे लगे हुए हैं, राशन के लिए लगे हैं क्योंकि मजबूरी है, क्या किया जाए, राशन मिलना बेहद ज़रूरी है, सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है तो उम्मीद जगी है। एक मासूम बच्चा ये महज जिसकी उम्र 3 साल होगी, अब ये इस भीड़ में है, तीसरी वेव से किस तरीके से सरकार लड़ेगी, ये बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें हैं जहां सरकार दावा कर रही है कि हमें कोरोना की सेकंड लहर को मात देनी है और तीसरी लहर भी जानकारों ने चेतावनी दे दी है, लेकिन इस तरीके से मासूम बच्चे जब लाइन में खड़े हुए हैं, कतारों में खड़े हुए हैं और उनको पता भी नहीं है कि राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक के बाद एक दिन पहुंच रहे हैं, आज पहुंचते हैं, उम्मीद होती है कि राशन कल मिलेगा, लेकिन इस तरीके से ये पूरी उम्मीद फेल होती नज़र आ रही है। हालांकि देखना यही होगा कि सरकार आने वाले समय में क्या व्यवस्थाएं करती है कि इस भीड़ पर भी काबू पाया जा सके और लोगों को राशन भी मिल सके। कैमरा पर्सन 2 प्रजापति के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।